सामने देखिए आप क्लॉक टावर है, और अभी हम लोग रायबक्ष की ओर जा रहे हैं। ये सामने क्लॉक टावर दिख रहा है और बिल्कुल सीधा आगे इब्राहिम खलील रोड है सामने की ओर। ये दोनों तरफ होटल्स हैं, आगे बिल्कुल सामने ये क्लॉक टावर, जस्ट पीछे अलहम्दुलिल्लाह हरम शरीफ है। और जो ये फ्लाईओवर आ रहा है, ये है कुबरी फ्लाईओवर, इसके जस्ट आगे आपका इब्राहिम खलील रोड चालू हो जाता है। अब हम यहाँ से राइट मुड़ेंगे और यहाँ से एक वो आएगा आगे अलहम्दुलिल्लाह टनल, आई थिंक वो उमर बिन अल-खत्ताब रोड है वो, जहाँ तक मुझे पता है। देखते हैं क्या आता है आगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त टनल है, सूर्य पहाड़ के अंदर से ये टनल बनाया हुआ है। देखिए आने वाला है इंशाल्लाह आगे, ये बिल्कुल सही उमर अल-खत्ताब रोड टनल आगे दिख रहा है। ये देखिए आगे, ये बिल्कुल पहाड़ी है, पहाड़ी को काट कर चार रोड निकाले गए टनल्स। ऊपर देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, लिखे ऊपर लिखा है उमर बिन अल-खत्ताब रोड, ये आ रहा है, ये बेबार हो गया। अब हम लोग सुरंग के अंदर है, ये जो पहाड़ काट के बनाया गया है, और ये बहुत ही अच्छी टैक्सी यहाँ पे, टैक्सी के फिर से अगला टनल आने वाला है। ये देखिए हम फिर अगेन टेक्निका का टनल, बट यहाँ से राइट मुड़ के हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची होटल्स यहाँ पे हैं, कमी बहुत ज़्यादा है पर अंदर एहसास बिल्कुल भी नहीं है। कार के अंदर अपना होटल भी आने वाला है, होटल ओलियान पैलेस कुछ ही दूरी पे है। ये सामने लेफ्ट साइड में ये जो चल रहा है, ये अपना होटल आने वाला, ये रहा अपना होटल, ये रहा, ये बस बस ये रहा। आगे से हम जो टनल लेके आएंगे इंशाल्लाह, और फिर वहाँ से अपने होटल को जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।